हम आज कुछ इस टाइप का फोटो एडिटिंग करने वाले हैं, कुछ लाइटरूम एप्लीकेशन के कुछ हल्का सा कुछ इसको रीटच करेंगे, जो ज़्यादा कुछ बड़ी बात नहीं है, आप कर सकते हो इससे कुछ। ये ट्यूटोरियल आप लास्ट तक देखते रहिए तो आप इसको आसानी से कुछ इस फोटो को इस टाइप से बना देंगे। तो चलो फ्रेंड वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट स्टार्ट इट। तो फ्रेंड सबसे पहले आपको क्या करना है, उन्हें जो भी फोटो हो आपको इस टाइप का फोटो क्लिक करवा लेना है और आपको फोटो को लाइटरूम एप्लीकेशन में ऐड कर लेना है। लाइटरूम एप्लीकेशन में आप ऐड करने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले आपके फोटो के जो भी एडजस्ट होता है उसको ऑटो पे क्लिक कर देना। आपको ऑटो पे क्लिक नहीं करना, अगर मैं चाहूँ तो मैं ऑटो पे क्लिक करता हूँ, क्योंकि मुझे ऑटो जो ये है ऑटो बहुत अच्छा लगता है। ऑटो इज बेस्ट टूल है मेरे लिए, क्योंकि ये है ना लाइट और जो शेडो होती है वो एडजस्ट अच्छे से करता है। कोई कोई फोटो में हल्का मानता हूँ कि नहीं करता है, बट हाँ अच्छे से कर देता है। तो सर मैं इसको लाइट को बाद में एडजस्ट करूँगा, सबसे पहले हम कलर ग्रेडिंग करेंगे बहुत अच्छे तरीके से। तो आपको सबसे पहले कलर वाले टूल पर क्लिक कर देना है और सबसे पहले आपको कुछ स्किन टोन ले लेना है। स्किन टोन जो होता है उसके ऊपर कुछ हल्का सा ऑरेंज ऑरेंज होता है, तो ऑरेंज वाले टूल पर आ जाना है। उसके जो साथ ये सेकेंड नंबर वाला इसको थोड़ा सा कम कर लेना, जो सिचुएशन होती है उसको थोड़ा सा कम कर लेना। तो मैं यहाँ पर इसको रख देता हूँ मैक्सिमम 35 हो, जो भी हो आपको देख लेना आपके हिसाब से, मिनिमम 35 रख लेता हूँ मैं। और जो इसका ल्यूमिनेंस होता है इसको हल्का सा बढ़ा देंगे, तो आपको हम यहाँ इसको 5x क्लिक करेंगे, जिससे इसका ल्यूमिनेंस हो जाएगा और जो व्यू इसका व्यू है उसको थोड़ा सा कम कर देंगे। तो इससे क्या होगा, आपकी जो स्किन हो एक परफेक्ट लुक में आ चुकी है। तो अब आपको जाना है इसके सेकेंड वाले कलर में, थर्ड वाले कलर में सॉरी, और आपको जो इसका फर्स्ट वाला व्यू है उसको एकदम ले जाना है 85 के समथिंग। इससे क्या होगा, आपकी जो पीछे का जो ट्री है वो एकदम बहुत अच्छा एकदम लुक बन के आएगा आपके सामने। तो उसको 85 कर लेता हूँ मैं, आपके सामने बता देता हूँ आपको 85 से बहुत अच्छा, मेरे हिसाब से बहुत अच्छा लुक आया है इसके अंदर, अभी तो बहुत अच्छा सा लुक आ चुका है। तो मैं इसको रहने देता हूँ और ग्रीन वाले में आ जाते, तो ग्रीन वाले में आपको उसको पूरा कम कर देना है, -100 के समथिंग ले जाना है। तो इससे आपकी परफेक्ट एकदम फोटो जो आपको थंबनेल में दिखा था वो आ चुका है। बस इसमें कुछ क्वालिटी लाने के लिए, तो आपके इसमें शर्ट का कलर है, वो शर्ट का कलर हम चेंज करेंगे हल्का हल्का। तो इसको थोड़ा सा हम देखो ये कलर कहाँ पे टच कर रहा है, तो ये आपके पीछे जो कुछ लगा हुआ है उस पर क्लिक कर रहा है, तो इसको आपके हिसाब से देख लेना। मैं इसको ऐसा कर देता हूँ, पीछे कर देता हूँ, आपके हिसाब से देख लेना। और जो शर्ट का कलर है वो ये वाला कलर शायद से कैच कर लेगा, तो आपको पता है ये वाला जो कलर कैच हो चुका है इस पर। तो आपको इसको क्या करना है, -15 रख लेना है। -15 रखने के बाद आपके फ़ोटो में एक ओपी लुक आने लगा है, देख लीजिएगा आप। इसको -15 रख लेना है और जो ये वाला कलर है ये शायद से कुछ अमेजिंग लुक लाएगा, क्योंकि इसमें जो लाइनिंग है वो आपकी इस फोटो से उसका कलर चेंज हो रहा है। तो आपको लाइनिंग को रख लेना है करीबन 60-65 के बीच रख लेना है। तो देख लीजिएगा आप आपके हिसाब से किस टाइप का फ़ोटो देखना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे अपनी फ़ोटो का जो लुक है वो अमेजिंग सा हो चुका है, एकदम ओपी लुक आ चुका है। तो मैं यहाँ पे इसको डन कर दूंगा, मैं जो कोई कलर ग्रेडिंग कोई नहीं। तो अब डायरेक्टली बात करता हूँ, तो जैसे आप जो भी फ़ोटो में जो भी जैसे साथ वाइब्रेंस जैसे जो होता है, जो ये वाइब्रेंस का जो ऑप्शन मिलता है आपको, ये क्या करता है आपकी फ़ोटो में जहाँ पे कुछ कलर कम होता है कलर कुछ ज़्यादा होता है उसको बैलेंस कर देता है। तो इसको हम हल्का सा बढ़ा देंगे और ले जाएंगे इसको 40 के समथिंग। तो इससे क्या हुआ देख लीजिएगा आप, इसको जो कम जैसे जहाँ पे कम शेड होती है, जहाँ पे ज़्यादा होती है, जहाँ पे कलर कहाँ पे कलर कम हो जाता है, कहाँ पे ज़्यादा हो जाता है, इससे होता है कि ये थोड़ा सा एडजस्ट अच्छा कर देता है। तो ये मुझे बहुत परफेक्ट लगता है। और इसका सेकंड वाले टूल में आएगा, तो इसको आपको क्या करता है, ये वाला जो है यानी कि विग्नेट का जो ऑप्शन होता है इसको -20 के समथिंग ले जाना आपको। इससे क्या होता है आपकी जो फोटो उसके आइट साइड में एक शेडो सा जैसा आप बोल सकते हो उसको एक अच्छा सा लुक मिलता है। और इसकी जो क्लियरिटी है इसको आपको कम कर देना, -6 कर देना। इससे क्या होगा कि आपका फोटो जैसे फटेगा तो वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। और जो टेक्सचर है उसको +6 पे ले जाना है, समथिंग आपकी फ़ोटो में बहुत अच्छा लुक आने वाला है। अब आपको लास्ट तक फोटो देखना, और अगर आपको ये फोटो एडिटिंग ट्यूटोरियल अच्छा लगता हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और साथ साथ बेल आइकन क्लिक कर देना, जिससे हमारे चैनल के हर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो अब
हम दूसरे टूल की ओर जाएंगे तो यहाँ पे आता है हमारा शार्पनेस। जो फोटो आप अगर इंस्टाग्राम पे अपलोड करते हो, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अपलोड करते हो, तो वहाँ पे आपको एक ओपी लुक मिलता है। तो हम शार्पनेस का मैं तो बहुत ज़्यादा रखता हूँ, 65 के समथिंग शार्पनेस रखने वाला हूँ, जिससे क्या होता है हमारे फोटो में शार्प लुक आता है। और हम नॉइस रिडक्शन को भी बहुत कम बहुत ज़्यादा बढ़ाने वाला हूँ, क्योंकि इससे क्या होता है आपकी फ़ोटो जहाँ से कुछ फटी फटी होती है वो एकदम मिक्स हो जाती है, और आपको देख सकते हो आप, इससे क्या होता है आपकी फ़ोटो एकदम ज़्यादा भी नहीं करना, कुछ कम भी करना, आधा कर देना इसको। और जो कलर नॉइस, जैसे कलर आपका कुछ कहाँ पे कम तो वो मिक्स हो जाता है इससे। ये अच्छा टूल है एक तरह से। तो अब आप देख सकते हैं अब आपकी फ़ोटो में पहले कहाँ पे थी और अब कहाँ पे है, तो आप देख सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ लाइटिंग एडजस्ट का। लाइट एडजस्ट बाद में इसलिए करता हूँ क्योंकि जैसे आपको अभी बताएं इस फोटो में अभी क्या है, शेडो जैसे है, शेडो तो शेडो को हम देख लेंगे तो ब्लैक हो रहा है, तो इसको हम 20-20 के करीब कर देंगे। वाइटनेस से तो इसको थोड़ा सा कम कर देंगे, क्योंकि फोटो में ज़्यादा आ रहा है। और जो ये वाला जो हाइलाइट्स है, इसको आपके हिसाब से, फ़ोटो के हिसाब से मैं प्लस 5-6 रख लेता हूँ, क्योंकि फ़ोटो में अच्छा लुक आना चाहिए। और इसको ज़्यादा माइनस हो रहा है। ये एक्सप्लोर जो ऑप्शन है इसको हम रख लेते हैं 20-something। तो आप देखिए इसमें कितना अच्छा ओपी लुक आ रहा है। तो हम शेडो वेडो सब व्यवस्थित कर लेते हैं। अब आप देखो इस फोटो में कितना अच्छा लुक और कितना अच्छी तरीके से फ़ोटो बन के हमारे सामने आ चुका है। कुछ पहले इस तरह का फ़ोटो था और अब आप देख सकते हो कुछ इस तरह का फ़ोटो। अब आप अंदाजा लगाओ कि फ़ोटो कहाँ पे था और हम कहाँ से कहाँ तक लेके आ चुके हैं। तो सिर्फ लाइटरूम एप्लीकेशन के थ्रू हमें इस फोटो का यहाँ तक एडिट कर पाए हैं। तो फ्रेंड, अगर आपको वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा हो, जिसी तरह का आपको और मुझसे यानी कि कुछ अच्छा करवाना चाहते हो, तो आप जैसा भी फोटो एडिटिंग करवाना चाहते हो, जिस भी टाइप का, आप मुझे कमेंट कर सकते हो। और हमारे चैनल पर पहली बार तो प्लीज़ लाइक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर जरूर करना, क्योंकि वह भी तो आपका बंदा भी तो सीख सके कि हाँ कि फोटो एडिटिंग करी है। तो चलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।